गाइस स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी इस नए वीडियो पर। तो गाइस लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह का वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइस अगर आप भी ऐसा ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइस अगर आप लोगों को एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो भी कर लीजिएगा क्योंकि डेली की वीडियोज वहाँ पर पोस्ट होती हैं। तो चलिएगा इस बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि जब भी हम ऐसे नए वीडियोस लाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वी आर वीडियो एडिटर ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके प्रो वर्जन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये ऊपर में आल लिखा हुआ मिलेगा तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आप लोग लिरिक्स वाले वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लोग हमारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा तो आप लोग उसको भी वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोग अपने लिरिक्स वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग यहां पर अपने फोटोज पर आना है और यहां से आप लोग अपने फोटोज को सिलेक्ट कर लेने हैं। वैसे मैंने इन सभी फोटोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो आप सभी वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप लोग टोटल 15 फोटोज सिलेक्ट कर लेने हैं और एक लिरिक्स वाले वीडियो को। इसके बाद आप लोग यहाँ पर एरो वाले निशान पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग लिरिक्स और फोटो ऐड हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग वीडियो के एंड पॉइंट पर आना है और ये ब्लैक वाले लेयर को यहाँ से आप लोग डिलीट कर देना है, थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे इसका यहाँ पर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये ओरिजिनल लिखा हुआ मिलेगा ऊपर में तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग 9:16 के रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने सही फोटोज को चेक करना है कि सही से आए हुए हैं या नहीं। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरे लगभग सही फोटो सही से आ चुके हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और यहाँ पर आप लोग ये म्यूजिक वाले का क्लिक करना है, म्यूजिक पर जाना है और आप लोग डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग का भी लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से आप लोग सॉन्ग को चूज करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये म्यूजिक बीट्स पर आना है और मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर बीट्स ऐड करने हैं तो गाइस वहाँ से चेकआउट करके आप लोग टोटल यहाँ पर 15 बीट्स ऐड कर लेने हैं। इसके बाद आप लोग राइट पर क्लिक करना है, फिर से राइट पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग सॉन्ग ऐड जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन आप लोग यहाँ पर बीट के हिसाब से सेट करना है। अगले वाले फोटो पर क्लिक करेंगे, इसका ड्यूरेशन अगले वाले बीट तक सेट करेंगे। ऐसे आप लोग यहाँ पर अपने सही फोटोज के ड्यूरेशन को बीट के हिसाब से सेट कर लेना है क्योंकि बीट के हिसाब से आप लोग फोटो चेंज होता है तो आप लोग वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और कूल लगता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले सेट कर लेते हैं ड्यूरेशन को, इसके बाद आगे के इफेक्ट्स को देखते हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई करने हैं अपने फोटो और वीडियो पर। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने अपने सही फोटोज के ड्यूरेशन को बीट के हिसाब से सेट कर लिया हुआ है। इसके बाद आप लोग स्लाइड करके यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले फोटो पर आना है और यहाँ पर आप लोग एफएक्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप लोग एक इफेक्ट मिलेगा एक्सपेंड का, तो गाइस इसको यहाँ पर ऐड करना है, पूरा ड्यूरेशन खींचना है यहाँ पर फोटो पर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन मिलता है तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग इफेक्ट पूरे फोटो पर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आप लोग फिर से यहाँ पर फर्स्ट वाले वीडियो पर आना है और एफएक्स पर जाना है और इसको आप लोग नन करके राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग फर्स्ट वाले फोटो पर एक्सपेंड वाले इफेक्ट को रहने देना है, अगले वाले पर आएंगे एफएक्स पर जाएंगे और इसको चेंज करके यहाँ पर आप लोग स्लाइड राइट को ऐड करना है, राइट पर क्लिक करेंगे, फिर से एक फोटो को स्किप करेंगे, अगले वाले पर आएंगे एफएक्स पर जाएंगे, स्लाइड राइट को ऐड करेंगे। ऐसे ही आप लोग दोनों इफेक्ट्स को अल्टरनेट पर ऐड कर लेने हैं क्योंकि बीट के हिसाब से यहाँ पर ये दोनों इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे सेट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों इफेक्ट्स को पिक किया हुआ है। तो चलिए गाइस दोनों इफेक्ट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, इसके बाद आगे के इफेक्ट्स को बताता हूँ कि कैसे आप लोग अप्लाई करने हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने दोनों इफेक्ट्स को अल्टरनेट पर बहुत ही अच्छे से ऐड कर लिया हुआ है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर स्लाइड करना है और यहाँ पर आप लोग फर्स्ट वाले बीट पर आना है। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग ये थर्ड नंबर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर वीडियो एंड फोटो पर जाना है, अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है गाइस यहाँ से। इसके बाद आप लोग यहाँ पर फोटोज पर आना है और आप लोग डिस्क्रिप्शन में दो PNG के लिंक मिलेंगे, शैडो इफेक्ट और यहाँ पर आप लोग कूल बॉय का, तो गाइस दोनों को ही वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग शैडो वाले PNG को ऐड
करना है, इसका ड्यूरेशन आप लोग सबसे पहले यहाँ पर पूरे वीडियो पर खींच लेना है, इसके बाद कहीं से थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे इसका पूरे स्क्रीन पर, इसके बाद आप लोग इसको स्लाइड करें नीचे में कुछ इस तरह से सेट कर लेना है सेंटर में, इसके बाद आप लोग स्लाइड करना है, फिर से यहाँ पर फर्स्ट वाली बीट पर आना है, आप लोग फिर से यहाँ पर ये थर्ड नंबर वाले आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर जाना है, अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है गाइस यहाँ से, और यहाँ पर फोटो पर आना है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर कूल बॉय को ऐड करना है, यहाँ पर टेक्स्ट वाले पीएनजी को, इसका वीडियो रेस आप लोग सबसे पहले यहाँ पर पूरे वीडियो पर खींच लेना है, इसके बाद आप लोग इसका साइज बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से, इसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको सेंटर में रख करके नीचे में सेट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का पूरा वीडियो बन चुका है, यहाँ पर आप लोग लिरिक्स भी आ चुका है, आप लोग फोटो भी सेट हो चुका है बीट के हिसाब से, साथ ही आप लोग सारा पीएनजी वगैरह भी आ चुका है। तो गाइस अभी इसको सेव करना है अपने डिवाइस पर, तो गाइस सेव करने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पर कॉर्नर पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग अपना रेजोल्यूशन सेट करने के लिए मिलेगा, तो मैं भी 1080p और 30fps पर इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग वीडियो एक्सपोर्ट जाने के बाद यहाँ पर आप लोग सेफ्टी एल्बम का ऑप्शन मिलता है, तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग वीडियो डायरेक्टली आपके गैलरी पर सेव हो जाता है, इसके बाद आप जहाँ भी चाहे इसको शेयर कर सकते हैं पोस्ट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए क्वालिटी वीडियोज लाते रहते हैं।